स्वागत है आपका पीटीवी इंडिया न्यूज पर। यमुनानगर के गुलाब नगर में लुधियाना से आई एक महिला मिली कोरोना पॉजिटिव, सभी दुकानें सील कर दी गई हैं। पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया, 28 जिलों के लिए आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। सभी के सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कोरोना से छठी मौत, राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला ने तोड़ा दम। सहारनपुर जनपद की नगर पंचायत तीतरों में आज ईओएल केंद्र सिंह व कस्बा इंचार्ज मुकेश दिनकर खुद कर्मचारियों को लेकर पहुंचे मेन बाजार। वह तीतरों कब्रिस्तान की गली व नालों की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, कर्मचारियों को सही ढंग से कार्य करने का आदेश दिया। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम शाहपुर ने अपने कार्यकर्ताओं के आवास पर पहुंचकर अपील की है कि बकरा ईद के त्यौहार पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने कहा कि शाहपुर क्षेत्र में 24 कोरोना पॉजिटिव केस मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए सभी को प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। आगामी 1 तारीख को ईद का पर्व है, इसको लेकर आप जनतावासी से क्या अपील करते हैं? ईद के त्यौहार जो है बड़ा त्यौहार है और सभी जनपदवासियों से हमारी अपील है कि जो भी गाइडलाइंस शासन प्रशासन के आदेश पे हो गए ईद के त्यौहार के लिए, सभी जनपदवासी उसी का पालन करें और जो भी आदेश प्रशासनिक अधिकारी करें उसी का पालन करें, उसी में सबकी बेहतर है। जैसे शाहपुर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस 23 मिले हैं कल, इसके बारे में कल एक बड़ा मामला शाहपुर में हुआ और बहुत बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज वहाँ मिले हैं 23 की करीब। तो सभी शाहपुर वासियों से अपील है कि भाई सभी भाई जो हैं अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर घरों से बाहर जो है बहुत ही इमरजेंसी काम के लिए बाहर निकलें। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो उसी के लिए निकलें बाहर, अन्यथा फालतू बाहर न निकलें घर से, और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें अगर बाहर।